इंडियन आर्मी ने 1850 और ऑर्डर दिए हैं स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए। इससे पहले 1470 ऑर्डर दिए थे स्कॉर्पियो क्लासिक के। अब तक टोटल 3320 यूनिट स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। कुछ नोट करने वाले पॉइंट ये हैं कि यहाँ पर एक यूनिक पेंट स्कीम देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके की, साथ ही साथ स्टैंडर्ड फोर व्हील ड्राइव भी मिलने वाला है। इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी ब्रेजा के मैनुअल ट्रांसमिशन से माइल्ड हाइब्रिड टैग को हटा दिया गया है। हालांकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये मिलता रहेगा, लेकिन माइल्ड हाइब्रिड टैग के हटने से ब्रेजा के मैनुअल ट्रांसमिशन की फ्यूल इफिशियंसी पर प्रभाव पड़ने वाला है। पहले लगभग 20.15 kmpl तक का ये माइलेज दे देती थी, लेकिन माइल्ड हाइब्रिड टैग को हटा दिया जाएगा उसके बाद इसका मैनुअल ट्रांसमिशन 17.38 kmpl का माइलेज देगा। लगभग 2.77 kmpl का यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ ब्रेजा के साथ CNG वेरिएंट भी आता है। अब उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ब्रेजा ने सभी गाड़ियों में स्टैंडर्ड अब आपको ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर दे दिया है सभी सीट के लिए। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। कैमोफ्लाज पिक्चर में एक कार नजर आई है। इंटीरियर देखने से लगता है ये सिट्रोएन की तरफ से कोई अपकमिंग कार है। टेस्टिंग चल रही है इंडिया में, बैक टू बैक बड़े अपडेट्स दे रहा है। मार्केट में 2 डिजिट से 4 डिजिट का सफर तय किया है सिट्रोएन ने कुछ लास्ट 6 महीनों में। यहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देने के साथ ही यहाँ पर मार्केट में पहुंच बनाने की तैयारी कर चुका है। एक क्रेटा राइवल मार्केट में आने वाली है, अगले महीने उसकी प्राइस की अनाउंसमेंट की जा सकती है। साथ ही साथ इस नई गाड़ी की यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया। बुकिंग्स पहले ही शुरू कर दी गई थी। एक दिन में 13,500 के आसपास बुकिंग्स इसको मिल चुकी थी। 10,90,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ क्लास लीडिंग 160 हॉर्स पावर जनरेट करने वाला 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर इसमें कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी मिलने वाले हैं। इंटीरियर में काफ़ी बड़े अपडेट किए गए हैं। डुअल टोन इंटीरियर भी देखने को मिल जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। साथ ही साथ ADAS भी इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो पहले आती थी इसकी टैक लाइन, GT लाइन, X लाइन, ये सब अवेलेबल है इंडिया में। सभी वेरियंट्स के एक्शोरूम प्राइजेज अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर XM और XMS को लॉन्च कर दिया गया है अल्ट्रॉस के साथ 6,90,000 रुपए की एक्शोरूम प्राइस पर। और कुछ नए फीचर्स भी स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यहाँ पर जो ये वेरिएंट है XM और XMS, S डिनोट करता है यहाँ पे सनरूफ को, ये 1.2 लीटर के मैनुअल पेट्रोल इंजन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। 6,90,000 रुपए XM की प्राइस है और 7,35,000 रुपए XMS जिसमें आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ टाटा मोटर्स ने अपनी कार्स पर प्राइजेस को भी बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी अभी हम आगे वीडियो में आपको देंगे। अगली अपडेट की बात करें तो जीप मेरिडियन का बेस वेरिएंट हटा दिया गया है और अब जीप मेरिडियन की प्राइस 32,95,000 रुपए से शुरू होगी। 2 लीटर का टर्बो डीजल वेरिएंट मिल जाता है, 170 HP की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। जीप मेरिडियन जो है 7 सीटर प्रीमियम SUV है। मार्केट में ये फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर और स्कोडा की कोडियाक को राइवल करती है। अगली अपडेट की बात करें तो ह्यूंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट वर्जन नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाएगा 2024 में, लगभग मार्च के आसपास तक आएगा। अब तक तो बताया जा रहा था जो टूसॉन करंटली मार्केट में अवेलेबल है उससे मिलता जुलता डिजाइन हो सकता है। उसके बाद अपडेट आई कि वेन्यू जैसा डिजाइन होगा और अब अपडेट आ रही है कि इसका डिजाइन जो होगा ग्लोबल मार्केट में पैलिसेड जैसा रहने वाला है, यानी कि एक फ्लैगशिप SUV है पैलिसेड उस जैसा रह सकता है। साथ ही साथ टेस्टिंग के दौरान कुछ पिक्चर्स निकल करके सामने आई जहां पर ये पूरी तरीके से कैमोफ्लाज थी। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा ADAS देखने को मिल जाएगा और हो सकता है कि H पैटर्न वाली टेल लाइट्स देखने को मिले। तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा नवंबर और दिसंबर के आसपास तक। अभी फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा सफारी की भी टेस्टिंग चल रही है और अभी कुछ दिन पहले ही बिल्कुल क्लियरली विजिबल इंटीरियर सामने आया है। यहाँ पर जब इंट्रोड्यूस किया गया था कर्व को तो कुछ इसी तरीके का स्टीयरिंग व्हील और यहाँ पर गियर नॉब देखने को मिल रहे थे, तो काफी हद तक उसी से इंस्पायर्ड यहाँ पर ये रहने वाला है। साथ ही साथ फ्रंट फेशिया, रियर प्रोफाइल काफी अपडेट किए जाएंगे और ये इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास यानी अक्टूबर नवंबर में लॉन्च की जा सकती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी की जो इलेक्ट्रिक SUV आने वाली है जिसको नेक्स्ट ईयर मिड में लॉन्च किया जाएगा, उसके टेस्टिंग के दौरान कुछ पिक्चर्स सामने आए हैं। यहाँ पर ये रोड प्रेजेंस में तो काफी शानदार और काफी बड़ी लग रही है। टेस्टिंग चल रही है इसकी ग्लोबली
और इंडिया में इसको 2024 के मिड से लेकर 2025 के स्टार्टिंग तक किसी भी टाइम लॉन्च किया जा सकता है। बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा अल्ट्रॉज में दो नए वेरिएंट ऐड किए गए हैं, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पर टाटा अल्ट्रॉज का जो CNG वेरिएंट आता है उस पर एग्जेट प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन पर ₹3,000 कम कर दिए गए हैं। बाकी जितने भी वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइस एज इट इज है। टाटा टियागो NRG पर भी प्राइस को बढ़ा दिया गया है ₹4,000 तक। 1.2 नॉर्मल पेट्रोल इंजन पर 2,000 से 4,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं और CNG पर भी 2,000 से 4,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ टाटा सफारी पर भी ₹20,000 तक बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ नए वेरिएंट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर टाटा सफारी के नए वेरिएंट्स और बढ़ी हुई प्राइसेस देख सकते हैं सभी वेरिएंट्स की। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा टियागो के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया गया है। वही 2,000 से 4,000 रुपए तक प्राइस को बढ़ाया गया है नॉर्मल पेट्रोल इंजन और CNG वेरिएंट पर भी। वहीं टाटा हैरियर की प्राइसेस भी अपडेट कर दी गई हैं। सभी वेरिएंट पर लगभग ₹20,000 बढ़ा दिए गए हैं। 3 नए वेरिएंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं और 2 वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा की तरफ से आने वाली सेडान टिगोर की प्राइस को भी बढ़ा दिया गया है। 4,000 से 5,000 रुपए तक नॉर्मल पेट्रोल इंजन पर बढ़ाए गए हैं। 3 वेरिएंट पर प्राइस चेंज नहीं है। साथ ही साथ CNG के भी 1 वेरिएंट को छोड़कर बाकी 3 पर 4,000 से 5,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। टाटा की मोस्ट सेलिंग SUV टाटा नेक्सॉन के प्राइस को भी बढ़ा दिया गया है। टाटा नेक्सॉन के प्राइसेस को ₹10,000 से लेकर के ₹20,000 तक बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं अगली अपडेट की। 2024 टोयोटा फॉर्च्यूनर हाइब्रिड को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर इसकी कुछ लीक पिक्चर्स सामने आई हैं। कुछ इस तरीके का ये पैटर्न रहने वाला है, इमेज लीक होकर के सामने आई है। फ्रंट फेशिया काफी हद तक टोयोटा की फ्लैगशिप SUV टोयोटा लैंड क्रूजर से इंस्पायर्ड रहने वाला है। यहाँ पर ये भारत में लगभग 40 से 50-55 लाख रुपए के बजट में आने वाली एक प्रीमियम 7 सीटर फुल साइज SUV है, जिसको मेजर अपडेट साल 2024 के मिड या एंड तक मिलने वाले हैं। अगली अपडेट की बात करें तो अभी मारुति ने अपनी फ्रॉन्क्स को लॉन्च किया और लॉन्च होने के साथ ही काफी अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिला। नॉर्मली 8 से 10 हज़ार यूनिट उसके नाम से बिक जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और हो सकता है टोयोटा का वर्जन मारुति फ्रॉन्क्स वाला जो आने वाला है वो इस साल फेस्टिव सीजन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जहां पर इसका फ्रंट फेशिया चेंज रहने वाला है। हालांकि रियर प्रोफाइल में काफी माइनर से चेंजेस होंगे। अगली अपडेट की बात करें तो मर्सिडीज GLC को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा 9 अगस्त को। बुकिंग शुरू कर दी गई है। प्राइस लगभग 75 लाख रुपए के आसपास होगा। 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहां पर कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल लुक रहने वाला है। यहां पर इसके 2 वेरिएंट होंगे, 43 और 63। अगली अपडेट की बात करें तो रेंज रोवर वेलर की बुकिंग शुरू कर दी गई है। ये वेलर का फेसलिफ्ट वर्जन है जिसको सितंबर 2023 के आसपास तक लॉन्च किया जाएगा। रेंज रोवर वेलर फेसलिफ्ट जो है मार्केट में पोर्श मैकेन और जैगुआर F-Pace को राइवल करेगी। इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिल जाएगा डीजल इंजन के साथ में। साथ ही साथ इसको ऑल ओवर रीडिजाइन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और इंटीरियर में आपको नई टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। अगली अपडेट की बात करें तो अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार मेकर फिस्कर ओशियन की इलेक्ट्रिक SUV का लॉन्च कंफर्म हो गया है इंडिया में। साल 2023 में लॉन्च किया जाना है। इसी साल अक्टूबर नवंबर के आसपास तक लॉन्च किया जा सकता है। यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक SUV को लाया जाएगा। साथ ही साथ इसकी केवल 100 यूनिट ही यहां पर बेची जाएंगी मार्केट में। ये फिस्कर की जो SUV है इसको लाए जाने की बात काफी पहले से चल रही थी और लास्ट ईयर हमने इसके बारे में भी आपको अपडेट दी थी कि लाया जा सकता है साल 2023 के मिड या एंड में। तो फाइनली ये इंडिया में आ रही है। अगली अपडेट की बात करें तो Hyundai की Santa Fe SUV ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि पहले इंडिया में भी आती थी। फ्रंट फेशिया काफी जाना पहचाना आपको लग रहा होगा। प्रीमियम फ्लैगशिप 7 सीटर SUV है और ग्लोबल मार्केट में इसको बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का लुक इसका रहने वाला है। पूरा लग्जरी फील दे रही है। नए अलॉय व्हील्स, नया फ्रंट फेशिया, नया रियर प्रोफाइल, इंटीरियर में काफी तगड़ा स्पेस देखने को मिलेगा और पावर ट्रेन ऑप्शन के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। हालांकि जो पहले से इसका मॉडल अवेलेबल था उसमें आपको 2.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता था। अब जो मार्केट में आएगी उसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में सेकेंड और थर्ड जनरेशन तो आए थे संटाफे के, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी अपडेट नहीं आई। हालांकि टूसॉन कंटिन्यूअसली बिक रही है इंडिया में और डिसेंट सेल कर रही है। एक 40-45 लाख रुपए की SUV 300-400 यूनिट्स तो उसके आराम से बिक जाते हैं और रोड पर दिख भी रही है। अगली अपडेट की बात करें तो ऑडी ने अपनी नई Q8 e-tron को इंडिया में अनवील कर दिया है। इसमें 114 किलोवाट आर का बैटरी पैक ऑफर किया जा रहा है।
यहाँ पर इसमें आपको 408 PS की मैक्सिमम पावर और 664 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। 0 से 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड 5.6 सेकंड में अचीव कर लेती है। फुल चार्ज होने पर लगभग 600 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाती है। 8 एयरबैग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका फ्रंट फेशिया कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ये इसकी डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स है, साथ ही सिंगल फ्रेम प्रोजेक्शन लाइट्स आप देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल काफी अग्रेसिव लग रहा है और यहाँ पर देखा जाए तो ये बड़े अपडेट्स इसको मिल चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। Hyundai Exter का वेटिंग पीरियड अब 12 हफ्ते तक चला गया है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना दिया है। Exter को अब तक लगभग 16,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं। पेट्रोल वेरिएंट के साथ यहाँ पर आपको CNG का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मार्केट में छोटी SUVs की डिमांड तो काफी बनी हुई है, ये तो आपने पंच के साथ ही देख लिया था। अब अगले महीने इसकी सेल्स भी सामने आ जाएंगी, उसके बाद देखते हैं ये कैसा रहती है मार्केट में, ये कैसा परफॉर्म कर रही है। Exter एक छोटी SUV है, उसके साथ ही आपको सनरूफ भी देखने को मिल रही है। कई सारे बेहतर फीचर्स इंटीरियर में देखने को मिल जाते हैं और 6 से 10 11 लाख रुपए के बजट में एक अच्छी माइक्रो SUV कही जा सकती है। इससे पहले हमने आपके लिए अपकमिंग कार्स का वीडियो बना दिया है टाटा मोटर्स की तरफ से, कौन से फेसलिफ्ट वर्जन और कौन सी नई एंट्रीज होने वाली हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा बिकने वाली कौन सी कार हैं, सेडान, हैचबैक, SUVs, ये सभी वीडियोस हमने बना दिए हैं। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो इसी चैनल OKCar247 पर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। OKCar247 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।